एक धर्मगुरु हैं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, बाबा बागेश्वर। वो चमत्कार कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं दावा नहीं करता हूं, वो कहते हैं कि ईश्वर सब ठीक कर देगा, लेकिन उनके दरबारों में भूत भगाए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं, पर्चियां निकाली जाती हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? बात सही गलत की नहीं है, बात लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं है इसकी है, लोगों को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हजारों लोग उनके दरबार में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कोई दुख दर्द बता रहा है। यदि उनकी बातों से, उनकी चीज से चमत्कार है या नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उससे यदि किसी को लाभ हो रहा है तो फिर आपत्ति नहीं होना चाहिए। लोगों को कोई नुकसान तो वो दे नहीं रहे हैं, कोई लोगों के साथ छल तो कर नहीं रहे हैं। अब इस पे जाने से क्या मतलब है? आदमी को तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ की जड़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। यदि लोगों को लाभ मिल रहा है तो उसे लाभ देने में कोई संत, एक ऋषिवर, एक मुनिवर चमत्कार कर सकता है जैसा कि दावा वो करते हैं? और वही नहीं, उनके जैसे कई और भी हैं ऐसे कथावाचक जो ये दावा करते हैं। तो देखो, हाथ की सफाई चीज अलग है, यदि उनकी नियत में खोट है किसी की और इस तरह से कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। आज भी कई संत हैं तथा कथित जो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो सत्य है तो सत्य है, सत्य छुप नहीं सकता। और झूठ पे पर्दे कितने डालोगे, एक दिन पर्दा से वो बाहर आएगा जी।